अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम मौजूद हैं यूईटी, क्योंकि हमारा पहला सेमेस्टर था, बाल गिर गया मेरे, पहला सेमेस्टर नहीं सॉरी पहली क्लास थी आज ओरिएंटेशन की। तो हम इस टाइम यूईटी में खड़े हुए हैं, फिजर साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। हम असल में आए हैं बाइक पर और फिजर है ऑरेंज ट्रेन में, वो आएगा तो हम उसके साथ जाएंगे, बस देख रहे हैं कब आएगा। सेमिनार रूम तक तो हम पहुंच गए, लेकिन जाते साथ जो एक बात पता चली वो ये थी कि हमारा बहुत बड़ा काटा गया, क्योंकि हम 9:30 के मुताबिक भी लेट थे। 10:30 जाकर उन्होंने ओरिएंटेशन स्टार्ट की, और स्टार्ट करते साथ जो सस्ती मोटिवेशन के तौर पर जो हमें पहला लेसन दिया गया वो ये दिया गया, उन्होंने पूछा कि कौन कौन यहाँ ऐसा है जो डॉलर कमाने के लिए आया है, जिसमें मुझ समेत काफ़ी लोंडों ने हाथ खड़ा किया। और उसके बाद ओरिएंटेशन होस्ट करने वाले का सिर्फ एक ही जवाब था कि जो लोग यहाँ डॉलर कमाने आए हैं वही सही जगह आए हैं। तो क्या यार, मैं पूछना चाहूँगा, पाकिस्तानी रुपए की कोई वैल्यू नहीं है? नहीं। दूसरी बात जो हमें इस ओरिएंटेशन में सिखाई गई वो थी स्किल्स की, कि आप किस तरह अपने स्किल्स को बेहतर बनाकर आगे चल सकते हैं। उनकी यूनिवर्सिटीज, उनके बूट कैंप्स वगैरह में लोग पढ़ के किस तरह दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, असल में वो अपनी सस्ती प्रमोशन कर रहे थे। लेकिन अब जो मेरे बैकग्राउंड में ये जो बिल्लियां रो रही हैं, इसका मुझे नहीं पता कि क्या करना है, इसको कहीं ना कहीं मैनेज कर लें। तीसरी बात जो उन्होंने सिखाई वो थी कि लर्न, पहले आपको लर्न करना पड़ता है, उसके बाद एल निकाल के वो अर्न बन जाता है, पहले आप लर्न करते हैं उसके बाद आप अर्न करते हैं। ये बात मैं पिछले 16 साल की एजुकेशन में अच्छी तरह जान चुका हूँ, भाई कुछ नया सिखाएं। लेकिन फिर इसमें नया ट्विस्ट आ गया, जिसमें मॉनसून का आज तीसरा दिन था और तीसरी बारिश ने अपना फुल जोरों शोर से काम दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई स्मार्ट वर्क किया करें, लेकिन स्मार्ट वर्क को पूरे हार्ड वर्क से किया करें ताकि हम आगे निकल सके। लेकिन बारिश अपनी जगह पे जा रही है, अब कोर्स जो थे वहां पे वो काफी किस्म के थे, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मर्न फुल स्टैक, पाइथन, .asp, इस तरह काफी सारे कोर्स है जो स्टार्ट में हमें लेक्चर्स दिए गए, काफी यानी कि अच्छे प्रोफेसर्स वगैरह ने लेक्चर्स दिए, जो शायद आपको वीडियोस में सामने बैठे हुए नजर भी आ रहे हैं। काफी उन्होंने अच्छी मार्केटिंग की अपनी, सारे अपना कुछ बताया कि हम यूईटी फला 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 जगह पे अपना काम कर रही है, सब कुछ बताया। लेकिन जब आई टीचर्स की बात, फिर मैंने सोचा फिर फीस तो दे ही दी है, करना तो है, चलो कुछ ना किसी तरह बस कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी बारिश अपनी जगह पे जा रही है, और बारिश के दरमियान ही आधा घंटा लगा के मैंने खुद को मोटिवेट किया एक सवाल पूछने के लिए, अपने आप को तैयार किया, पूरा सवाल की स्क्रिप्ट जहन में बना ली, सारे काउंटर क्वेश्चन भी बना लिया, सब कुछ कर लिया। जैसे ही मैंने माइक पकड़ा और मैं सवाल करने के लिए खड़ा हुआ, गेस्ट ने अपना माइक बंद किया और स्टेज से नीचे आ गया। मुझे आया गुस्सा कि यार मैं खड़ा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं और गेस्ट साहब अपना छोड़ छाड़ के चले गए सारा कुछ। तो मैंने यार माइक में उसका एक्सक्यूज मी, आई हैव अ क्वेश्चन, जिसके बाद गेस्ट ने मेरी तरफ देखा और वो मुस्कुराए। उसके बाद उन्होंने होस्ट को देखा, होस्ट ने मुझे कहा भाई प्लीज बैठ जाएं, आप बाद में कीजिएगा सवाल मर्न स्टैक वालों से। लेकिन फिर जब मर्न स्टैक वाले आए टीचर्स, उसके बाद फिर मेरा कोई सवाल करने का दिल नहीं किया, एंड पे फिर मैंने रोल नंबर स्लिप ली, किक मारी बारिश के अंदर, तेज बारिश के अंदर, और बस उड़ते हुए घर आ गए। फिर हम खिजर जो है वो ऑरेंज लाइन में अपना रूट तय करता हुआ घर आया था। सो यार आज का व्लॉग इतना ही था, यूनिवर्सिटी में पहला दिन था, अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा, इंशाल्लाह कोर्स भी करेंगे, बस आप दुआ करते रहें कि हम कोर्स के साथ साथ उस पर काम भी करें। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए हाफिज़।